ज्यादा तेज हो गई, स्पीड कहाँ चढ़ गई, गाड़ी ऐसे जंप ही कर गई। ये वाली गाड़ी को जो है अपनी पार्किंग में पार्क करके फिर आता हूँ वहां से। तो मेरे नए वाले फार्म पे मेरा ये वाला खेत जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बस इसमें सीड लगाना है। और यहाँ पे इस वाले काओ बांध में एक भी काओ ने मिल्क नहीं दिया है, उल्टा शोर मचा मचा के परेशान कर रखा है, क्योंकि इनको मैंने जो है प्रॉपर खाना नहीं दिया है, सिर्फ घास दिया है। और सिर्फ घास से इनका काम नहीं चल रहा, उनका न्यूट्रिशन भी पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए इन्होंने जो है बिल्कुल मिल्क नहीं दिया है। तो आज इनके लिए प्रॉपर खाना बनाने के लिए TMR वाली मशीन लेके आनी है और इनको प्रॉपर खाना डालूंगा जब जाके ये मिल्क देंगी। और इनका मिल्क देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वाले फार्म पे भी ज़्यादा कुछ है नहीं, काउस का मिल्क बेच के ही कुछ प्रॉफिट आएगा। और बाकी क्रॉप तो मैं अभी लगाऊंगा, जब क्रॉप रेडी हो जाएगी हार्वेस्ट के लिए तब जाके उससे मैं जो है कुछ प्रॉफिट कमा पाऊंगा। बाकी मैंने जो है यहाँ पे एक ये शेड और लगा दिया है अपने ट्रैक्टर्स और गाड़ियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे अंदर पार्किंग सिर्फ 3 गाड़ियों की है और बाकी अपने पास जो है अभी 2 गाड़ियाँ हैं और 3 ट्रैक्टर हैं। 2 ट्रैक्टर तो यहाँ पे हैं, एक ट्रैक्टर जो है ऊपर माउंटेन के वहाँ पे है, वो भी आज लेके आना है, वो कब से जंगल में खड़ा हुआ है ऐसे ही। और एक जो है मेरे पास ये टैली हैंडलर है, इसको मैं यहीं पे जो है पार्क कर दूंगा। और यहाँ पे मैं एक चार्जिंग स्टेशन लगाने वाला हूँ, क्योंकि अपना टैली हैंडलर इलेक्ट्रिक है तो इसे चार्ज करना पड़ेगा। और जो एक ट्रैक्टर ऊपर माउंटेन पे खड़ा हुआ है वो भी इलेक्ट्रिक है तो उसे भी चार्ज करना पड़ेगा। बाकी आज चलना पड़ेगा एक बार शोरूम पे, वहाँ से TMR की मशीन लेके आनी है। और एक नई गाड़ी आई है, नई नहीं है एक्चुअल में, वो काफ़ी पुरानी गाड़ी है, बट वो मुझे मिल गया है तो आज वो भी शोरूम से लेके आनी है। और वो शोरूम पे पार्क हो रखी है, बस मुझे वहाँ से उसे ड्राइव करके यहाँ पे लेके आना है। तो अभी वैसे कुछ और तो काम करने के लिए है नहीं, सबसे पहले तो मैं जो है इस वाले खेत में सीड लगाने शुरू करता हूँ। इस वाले खेत में मुझे लगाने हैं वीट वाले सीड, और वीट के लिए जो है सीडर मेरे पास है शायद वहाँ पे जो है पार्किंग में खड़ा हुआ है पुराने वाली में। तो ये वाला ट्रैक्टर लेके चलता हूँ, इससे अटैच करके लेके आता हूँ, और देखना पड़ेगा उसके लिए सीड वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। वैसे मैंने देखा था वहाँ पे सीड्स तो थे। और इस वाले ट्रैक्टर का जो फ्रंट लोडर है इसे मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ, ये ज़्यादा नीचे हो रखा है, बस इतना ठीक है, नहीं तो ये जो है नीचे ज़मीन पर टच होगा, अपना ट्रैक्टर फंस जाएगा। बाकी मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं पहले जो है ना ऑर्डर दे दूँ वहाँ पे शोरूम पे, क्योंकि यहाँ पे शोरूम नहीं है, यहाँ पे से डिलीवरी एरिया है, तो पहले ऑर्डर देना पड़ता है, वहाँ से जाके फिर मैं जो है लेके आ जाऊँगा। तो मैं एक बार ऑर्डर प्लेस करता हूँ जो सामान मुझे चाहिए। तो मुझे यहाँ शोरूम से जो है एक तो ये TMR बना वाली मशीन रेंट पे लेनी है, और ये कंप्लीट मशीन है, इसमें बस रॉ मटेरियल डालना है तो अपना TMR बनना रेडी हो जाएगा। तो इसको अभी लीज पे ले लेता हूँ। उसके अलावा जो है मैंने गाड़ी तो 2 ले रखी हैं जो शोरूम पे आ चुकी होंगी, वो मुझे वहाँ से बस लेके आनी है। और बाकी रॉ मटेरियल एक बार मैं अपने यहाँ पे फार्म पे देख लेता हूँ कि रॉ मटेरियल यहाँ पे मेरे को लग रहा है रॉ मटेरियल में साइलेज चाहिए, हे चाहिए, स्ट्रॉ चाहिए और मिनरल फीड चाहिए। तो देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, जो अवेलेबल नहीं होगा वो वहीं से लेके आ जाऊँगा शोरूम से। अभी फ़िलहाल मेरे को लग रहा है ज़्यादातर रॉ मटेरियल मेरे को यहाँ मिल जाएगा। और पहले तो मैं यहाँ से सीडर ले लूँ, सीडर जो है अंदर पार्क हो रखा है ये रहा। और सीडर में जो है सीड्स भी फिल हो रखे हैं पहले से, तो अभी फ़िलहाल तो जो है इसको यहीं छोड़ देता हूँ। अभी पहले रॉ मटेरियल देख लूँ यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो अंदर हे तो है, हे ये री स्ट्रॉ भी है, और ये तो हॉर्स फूड है, ये काम का नहीं है। मिनरल फीड चाहिए और साइलेज चाहिए, और मिनरल फीड तो ये रखा हुआ है यहाँ पे, मिनरल फीड भी है, ये मिनरल फीड ही है क्या, नहीं ये तो सीड्स हैं, तो सीड के बैग हैं, सीड के बैग काफ़ी सारे रखे हुए हैं, तो बस मिनरल फीड लेके आना है। और सामने साइलेज मेरे को दिख रहा है, तो साइलेज भी है यहाँ पे, मिनरल फीड भी क्या पता रखा हो यहाँ पे कहीं, साइलेज तो है, साइलेज तो मैं ये वाला यूज़ कर लूँगा, मिनरल फीड नहीं है। और बाकी ये किस काम आता है, ये कुछ अलग सा इक्विपमेंट है, ये शायद स्नो वगैरह साफ़ करने के लिए है, ये यहाँ से ट्रैक्टर से अटैच हो जाता है और यहाँ से स्नो हटा सकता है, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी किसी को पता हो तो कमेंट करके बता दो, वैसे मेरे को स्नो हटाने वाला ही लग रहा है। और ये तो बेल्स वगैरह बनाने के लिए है। तो अभी बस मुझे शोरूम से मिनरल फीड लेके आना है, वो मैं ले आऊँगा। अभी गाड़ी तो मैंने दूसरी वाली ली है, उनमें तो आएगा नहीं, तो जो मैंने गाड़ियाँ ली हैं उनमें तो लोडिंग का स्पेस है ही नहीं, तो मैं ट्रैक्टर पे देख लूँगा, ट्रैक्टर पे रख के ले आऊँगा, या फिर मैं उसमें डाल ही दूँगा TMR वाली मशीन में, वहाँ से जब लेके आऊँगा डायरेक्ट उसमें डाल दूँगा, वहीं से आ जाएगा। अभी तो पहले जो है इसे खेतों में लगाऊँ सीड। और अभी मुझे ध्यान आया कि अभी तो जो है अगस्त का मंथ चल रहा है, अगस्त में तो मैं वीट लगा ही नहीं सकता, वीट तो मैं सितंबर में लगा सकता हूँ, अगस्त में तो मैं सिर्फ कनोला लगा सकता हूँ और बाकी देख लेता हूँ क्या क्या क्रॉप लगा सकता हूँ। तो अगस्त में अभी कनोला, पॉपुलर ग्रास और ऑयल सीड रेडिश लग सकती है, उसके अलावा बार्ले, वीट और ओट लग सकते हैं सेप्टेम्बर और अक्टूबर में, बाकी पटैटोज़ वगैरह तो जो है अप्रैल और मई में लगा सकता हूँ मैं।
तो अभी तो कोई ऑप्शन है नहीं, एक काम करता हूँ कनोला ही लगा लेता हूँ, क्योंकि जो है अभी सिर्फ कनोला का ही ऑप्शन है। बाकी जो है अभी कोई सी भी क्रॉप लगाऊँ मैं, वो मुझे सैली करके आनी है, क्योंकि जो है अभी बैलेंस इकट्ठा करना है। इसलिए जो है जो भी क्रॉप लग रही है वो लगा लेता हूँ, जो भी जल्दी रेडी हो जाए। और यहाँ से वर्कर हायर करता हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गैप छोड़ दिया इसको पहले, बिल्कुल ना इस वाली वुडन फैंस के पास से पार्क कर लूँ ये यहाँ पे, नहीं तो वर्कर जो है छोड़ ही देगा इधर से। हाँ ओ, मैंने वीट सेलेक्ट कर रखा है ना इसमें, इसमें मेरे को कनोला सेलेक्ट करना है इसलिए ही लगा पाया, तो कनोला सेलेक्ट कर लिया, अब लगा लेगा। और ये यहाँ पे इतने काम कर रही है, इतने मैं जाके अपनी दो गाड़ियाँ नए वाली और TMR वाली मशीन लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे शोरूम पे अपने सारे व्हीकल्स आ चुके हैं, और ये है अपनी TMR वाली मशीन, इसके लिए एक मिनरल फीडर लेना है, और बाकी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, एक तो ये शेल्बी की कोबरा और एक ये मारुति की स्टीम है यहाँ पे, और ये बहुत ओल्ड मॉडल है तो ये मुझे मिल गई इसलिए मैंने जो है ले ली, और ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। ये बस कलेक्शन के लिए है, ज़्यादा चलाने के लिए है नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, पहले इसे ही ट्राई कर लेते हैं। और अंदर से इंटीरियर भी पूरे पूरे वैसे ही हैं, बस अपने यहाँ इंडिया में राइट साइड स्टेयरिंग आता है, इसमें लेफ्ट साइड स्टेयरिंग है, और बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। इसकी टॉप स्पीड तो 100 की है, ये 100 भी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी उसका ये भी नहीं पता, और बाकी से म्यूजिक सिस्टम गया सब कुछ पुराने वाला लगा हुआ है। तो एक काम करता हूँ, इस गाड़ी को तो यहीं पर छोड़ देता हूँ, पहले TMR वाली जो है ये मशीन जहाँ ज़रूरी है, और दूसरी वाली गाड़ी है ये शेल्बी कोबरा, इसको भी अब चला के लेके चलूँगा। पहले इसके लिए मुझे वैसे जो है अभी मिनरल फीड भी लेना है, मिनरल फीड ले लूँ, ये रहा मिनरल फीड, और इसे बाय कर लूँ, एक ही पैलेट काफ़ी है। और किधर आई है, इधर डिलीवर नहीं हुई क्या? ये मिनरल फीड तो इधर डिलीवर ही नहीं हुआ, इन्होंने कहाँ पे डिलीवर करा है? मिनरल फीड के लिए कोई और जगह है क्या? ओ यहाँ पे किया है, ये रहा साइड में, इधर की साइड डिलीवर कर रहे हैं। इसको उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ, अब इसके अंदर ही ऐसे चला जाएगा, वहाँ जाके खोल लूँगा इसको। अच्छा ये ऑन नहीं है, ये ऐसे घूमते रहते हैं, स्टार्ट होने पे थोड़ा सा ये घूमने लग गए थे, बंद हो गए अपने आप ही। ये जो TMR बनाने के लिए मशीन है ये तो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, ये काफ़ी ज़्यादा सही है, इससे काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और सामने डिस्प्ले में इसमें जो है वेट वगैरह लिखा आ रहा है, ये शायद पीछे इसमें जितना भी TMR बनता होगा उतना वेट लिखा आता होगा। अभी 29.9 kg आ रहा है क्योंकि पीछे मिनरल फीड रखा हुआ है। इसे जो है इधर से उतार लेता हूँ, यहाँ से रास्ता है। और यहाँ पे जो है सारा रॉ मटेरियल ला के इकट्ठा कर देता हूँ, और यहीं पर TMR बना लूँगा, और फिर ले जाके काउबान के अंदर डाल दूँगा। वैसे जो है साइलेज तो इधर है, साइलेज तो मैं यहीं से ले लेता हूँ, इसमें आगे से ये पिक कर लेगा अपने आप ही। ये तो मुझे जो है अनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो मैं जो है ऐसे ही पिक कर सकता हूँ, ये वाला आर्म ऐसे जो है उठा के इसका, और इसे बस ऑन कर देना है, पहले अनफोल्ड करना पड़ेगा, बस ये आयन लग गया इसके अंदर। और ज़्यादा नहीं लेना, ये थोड़ा सा ही लेना है, इसके भी जो है रेशियो होते हैं, उस रेशियो के हिसाब से मिलाना पड़ेगा। तो ये वाली मशीन शायद अंदर तो जा नहीं पाएगी, बट अगर अंदर चली गई तो दो रॉ मटेरियल अंदर हैं, उन्हें जो है वहीं से ले लूँगा। और वैसे जो है ना पहले मैं रुक के एक काम मुझे करना है, इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा मुझे, चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्या? सीढ़ी है तो सही, यहाँ पर इसके ऊपर चढ़ के ये मुझे निकालना पड़ेगा बाहर, नहीं तो ये इसी के अंदर दब जाएगा। ये अभी जो है इसमें अलग से डालने पड़ेंगे, तब जाके मिक्स होना शुरू होगा। ये भाई ला के डाल लेता हूँ, दो तीन बेल्स तो चाहिए, एक तो ये स्ट्रॉ वाली उठा लेता हूँ, इसको यहीं से फेंक देता हूँ, ऐसी ना चली जाएगी, एक और फेंक देता हूँ सीधा बाहर की तरफ। और ये चाहिए, इनसे भी जो है दो से काम चल जाएगा, गई नहीं बाहर तक, एक बार फेंकनी पड़ेगी यहाँ से। अब तो आ गए, अब इन्हें जो है इसके अंदर देख लेता हूँ कितना चाहिए, और इसका रेशियो सेट करना पड़ेगा मुझे अभी, तो मिनिमम मैक्सिमम का जितना यहाँ पे आ रहा है उतना ही करना पड़ेगा। तो एक का तो हो गया, और थोड़ा सा साइलेज तो डालना पड़ेगा, साइलेज यहाँ से थोड़ा सा और ले लेता हूँ, उसके बाद ये मिनरल फीड ऐड कर लूँगा।
ये तीनों तो गए सही लेवल में, और इस वाले मशीन में पीछे तो कुछ दिखता ही नहीं है, पीछे शीशा ही नहीं है, पीछे कहाँ से देखूँ, ये तो गड्ढे में उतर गई यहाँ पे, ये फंस ना जाए यहाँ पे। एक मिनट, मैंने जो है गड्ढे में उतार दी, और ये मशीन ज़्यादा पावरफुल है नहीं तो ये फंस सकती है, इसलिए जो है इसको आराम से निकाल लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसमें लोड भी हो रखा है, ये यहाँ पे जो है चढ़ ही नहीं पा रही, चढ़ तो गई। अभी जो है थोड़ा सा मिनरल फीडो डालता हूँ इसके अंदर, उसके बाद इस मशीन को ऑन कर दूंगा, तो ये जो है पूरा घुमा घुमा के सारे खाने को मिक्स कर देगी और काउस का खाना रेडी हो जाएगा। बस इतना काफ़ी है, हो गया काफ़ी, इसे मैं जो है घुमाना स्टार्ट कर दिया। अब इसे सीधा लेके चलता हूँ सामने, काउस को दे देता हूँ, और ये यहाँ से मैं ले तो आया, यहाँ से जगह काफ़ी कम है मोड़ने की, अगली बार से जो है इस खेत से ही ले आऊँगा सीधा। बस यहाँ पे डालना है सारा का सारा खाना, सारा ही खाली कर देता हूँ क्योंकि 35 का हाउस है, काफ़ी सारा खाना चाहिए। तो सारा सारा खाना मैंने इसमें से डाल दिया काउस को, और इसको यहीं पाक कर छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये काऊ बांध के लिए स्पेशल है, सिर्फ काऊ बांध में ही यूज़ में आनी है और बाकी कहीं यूज़ में नहीं आनी। और अभी तो पिग्स का खाना भी रहता है, पिग फूड भी लेके आना है, इनको भी देना पड़ेगा पिग फूड, नहीं तो ये फालतू में जो है ग्रो नहीं होएंगे और यहाँ पर कोई ना कोई इशू क्रिएट कर देंगे। और ये वर्कर यहाँ पर बीच में छोड़ के भाग गए, और इसने जो है खेत में सीड कैसे लगाए हैं, सिर्फ यहाँ यहाँ लगाया है, यहाँ पर लगाया ही नहीं, इधर तो सारे में लगा दिए, इधर लगा के छोड़ के चली गई, उधर भी तो सीड लगाने थे। अब जो है किसी और वर्कर को बुलाना पड़ेगा, अभी पहले मैं जो है उधर सामने चलता हूँ रोड के पास, वहीं से फिर से लगा के देता हूँ, या फिर मैं ना खेत के उस साइड से स्टार्ट करता हूँ, दूसरे साइड से, वहाँ से सही रहेगा। यहाँ से ठीक है, यहाँ से वर्कर लगा दिया, और अब की बार तो कोई और आया है, चलो ये ठीक से काम कर लेगा, उम्मीद तो है सही से काम कर लेगा, बाकी नहीं करेगा तो फिर जो है किसी और वर्कर को बुलाएंगे। और अभी जो है दो गाड़ियाँ लेके आनी है, और जो है ऊपर से ट्रैक्टर लेके आना है, और पिक्स के लिए खाना भी लेके आना है, तो पिक्स के लिए खाना लाने के लिए तो मुझे जो है ट्रॉली चाहिए होगी, तो ट्रॉली को जो है मैं अपनी SUV से अटैच करके ले आ सकता हूँ, बट पहले वो दोनों गाड़ियाँ ले आऊँ यहाँ पर, तो पहले जो है इसी को लेके चलता हूँ, ये वाली गाड़ी को जो है अपनी पार्किंग में पार्क करके फिर आता हूँ वहाँ से। और ये गाड़ी 100 तक पहुँच जाएगी, पहुँच भी गई, फुल स्पीड पे है अपनी, 100 की स्पीड है और 100 पे ही चल रही है, सही है, मेरे को लग नहीं आता कि 100 की स्पीड तक पहुँच पाएगी। और बाकी वैसे अंदर ठीक है, इतनी आवाज़ नहीं आ रही, और बाहर तो ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही है, अंदर तो साइलेंट सी है। और इसका हॉर्न भी चेक कर लूँ एक बार, हॉर्न तो ठीक है, सही है हॉर्न इसका, मैं 50 की स्पीड लिमिट का आ रहा था, मैं 100 पे चला रहा हूँ, चलो यहाँ कोई इश्यू नहीं आया, तो पूरा खेती बाड़ी वाला एरिया है, ये अपना वर्कर कर तो रहा है सही काम। बस ये आ गया अपना रास्ता यहाँ से, और ये पीछे लाइटें कितनी है इसमें, ये जो रिवर्स की लाइट है और ब्रेक लाइट, तो सारे में लाइट ही लाइट है इसमें, सही है। और इस पर जो है स्विफ्ट लिखा हुआ है, ये पता नहीं जो है कौन क्या खा के बैठा हुआ था, अलग ही सेंस में था, इसका नाम स्विफ्ट लिख दिया है, चलो कोई नहीं, किसी की पुरानी गाड़ी होगी, उसने मॉडिफाई करा ली होगी, ऐसे करके स्विफ्ट लिखवा लिया होगा। अब इसे करता हूँ मैं इधर की साइड पार्क, ये तो यहाँ पार्क होगी, और यहाँ पे मुझे एक चार्जिंग स्टेशन लगाना है, वो मैं लगा ही देता हूँ अभी, ये है इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, और इसको लगाता हूँ मैं इधर यहाँ पर लगा देता हूँ, या थोड़ा अंदर करके इधर लगाता हूँ, यहाँ पे अपने ट्रैक्टर चार्ज होते रहेंगे। अभी तो ट्रैक्टर ऊपर है, वो लेके आना है, और अभी इस टैली हैंडल को चार्जिंग पे लगा देता हूँ। अभी वैसे इसकी बैटरी तो फुल ही है, इसको मैं थोड़ी देर ही यूज़ किया था, बट फिर भी चार्जिंग पे लगा देता हूँ, और ये वाली लाइट जल गई है इसकी, मतलब चार्जिंग शुरू हो गई यहाँ पर। अब मैं दूसरी गाड़ी ले आता हूँ जाके वहाँ से, तो ये वाली गाड़ी है, एक बार जरा इसे स्टार्ट करता हूँ, मुझे लग रहा है इसके इंजन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सही होगी, क्योंकि इसका साइलेंसर भी जो है बाहर है, और दो दो साइलेंसर हैं इसके अंदर, एक इधर है एक इधर है, और आवाज़ तो काफ़ी सही सी लग रही है।
अब जरा इसे एक बार चला के भी देख लेता हूँ। और इसके इंटीरियर में अंदर वुड लगी हुई है और है तो काफ़ी प्रीमियम, बट ये टू सीटर ही है। और सामने डैशबोर्ड में लॉक भी है कुछ रख के जो है लॉक लगाने के लिए। हाँ ये ओपन है तो इसलिए जो है लॉक ज़रूरी है, मतलब ग्लव बॉक्स में लॉक है वहाँ पे सामने। और अब इसे चला देता हूँ। इसकी स्पीड काफ़ी सही है, 264 की स्पीड है और आवाज़ तो इसकी अलग ही आ रही है। ये 264 तक पहुंच जाएगी आराम से, इसके इंजन की आवाज़ से ही लग रहा है मेरे को। 100 तो ये यहीं पे पहुंच गई। यहाँ रास्ते नहीं है बट 200 की स्पीड वाले, क्योंकि ये माउंटेन वाले रास्ते हैं, यहाँ पे मोड़ काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा तेज हो गई स्पीड, कहाँ चढ़ गई गाड़ी, इसे जंप ही कर गई, बच गई। अभी पलट पलट जाती तो अभी इसका काम हो जाता। यहाँ जाते इसको मैं चलाता ही नहीं, इसको आराम आराम से लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एकदम से काफ़ी ज़्यादा तेज़ मोड़ आ रहे हैं। और कोई यहाँ पे सीधा रास्ता होगा तो उस पर चला के देख लूँगा। अभी तो मैंने यहाँ के सारे रास्ते देखे भी नहीं है, अभी तो सिर्फ शोरूम से अपने खेतों तक कई रास्ता देखे और एक बार माउंटेन के ऊपर गया था बस। और इसका हॉर्न भी चेक कर लूँ, इसका हॉर्न तो स्कूटी ऐसा है, आवाज़ गाड़ी की इतनी सही और हॉर्न ऐसा स्कूटी ऐसा। बस इस गाड़ी को लगाना है इधर ही पार्किंग में, ट्रैक्टर के साथ लगा देता हूँ। आगे वाली गाड़ी भी, और अब जाके पहले पिक फूड लेके आना है और जो ऊपर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है जंगलों में उसे बाद में देखूंगा, अभी उसका इतना ज़रूरी नहीं है। वैसे भी जो है ऊपर ज़मीन अपनी ही है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है कोई इतना इशू नहीं है। और ये घोड़ा यहाँ बाहर खड़ा हुआ है, इसको ज़रा अंदर कर दूँ, यहाँ पे धूप में खड़ा रहेगा, अंदर कम से कम यहाँ पे शेड के अंदर चला जाएगा। हो गया घोड़ा भी यहाँ पे। और अब ये वाली गाड़ी लेके इससे ट्रॉली अटैच करता हूँ, इसमें पीछे ट्रॉली अटैच करने का ऑप्शन है तो सही, इसे लेके चलता हूँ। इससे जो है फटाफट मैं शोरूम पे पहुँच जाऊँगा और फटाफट वहाँ से जो है पिक्स के लिए खाना लेके आ जाऊँगा। ये वाली ट्रॉली लेके चलनी है, ये छोटी ट्रॉली है, इस गाड़ी से जो है आराम से खींच लूँगा इसे। बट इस ट्रॉली की तो अटैचमेंट दूसरे वाली है, ये तो उससे अटैच नहीं होगी। और कोई दूसरी ट्रॉली, एक ये ट्रेलर खड़ा हुआ है छोटे वाला, इसे देख लेता हूँ, नहीं तो फिर जो है अपना गाड़ी वाला ट्रेलर अटैच करके ले जाऊँगा इससे। ये हो जाएगा क्या इससे अटैच? इसकी भी अटैचमेंट दूसरे वाली है, ये भी अटैच नहीं होगा। तो अपना गाड़ी वाला ट्रेलर ले लेता हूँ, वो सही है, उसमें रख के ले आऊँगा पिक फूड पीछे। बट पिक फूड तो बड़े वाले बैग्स में आता है, वो उठा के मैं रख नहीं पाऊँगा उसे ना, तो इसको रहने देता हूँ। इस वाली गाड़ी को यहीं पार्क कर देता हूँ, ट्रैक्टर ले लेता हूँ। अभी तो जो है इसे यहीं छोड़ता हूँ और ट्रैक्टर लाना पड़ेगा, क्योंकि उस ट्रॉली के अंदर ही आ पाएगा हॉर्स फूड। इसी वाले को ले लेता हूँ पीछे, इसका कल्टीवेटर तो यहीं पर छोड़ देता हूँ। इससे हो गया अटैच। और एक बार सा कवर खोल के देख लूँ उसके अंदर कुछ है तो नहीं, खाली है। तो जो मैंने ऑर्डर दिया था पिक्स के फूड का, वो यहाँ पे आ चुका है और ये वाले सारे के सारे बैग्स इसके अंदर लोड हो जाएंगे, ये ट्रॉली में आ जाएंगे। मतलब है तो ये बैग में खाना, बट ट्रॉली में जो है सारा खुला आ जाएगा। और जैसे जैसे खाना ट्रॉली में आ रहा है और ये बैग बिल्कुल सिकुड़े जा रहा है, तो सारा का सारा खाना आ गया इसके अंदर। तो मैंने सही कैलकुलेट किया था, 8000 लीटर ही कैपेसिटी है इस ट्रॉली की। अब पीछे का इसका कवर बंद कर लूँ क्योंकि इसमें खाना है, तो जो है इसको बंद करके लेके चलता हूँ, अपना पिक्स का खाना थोड़ा सेफ रहेगा इससे। और इस ट्रैक्टर को मैं यहीं से मोड़ता हूँ इस वाले रास्ते से, क्योंकि अपने फार्म हाउस के सामने वाले रास्ते के मतलब जगह काफ़ी कम है, वहाँ से मुड़ नहीं पाएगा, इधर से लेके चलता हूँ अपने खेत से ही। और ये ट्रैक्टर जो है फिर अटका के यहाँ पे वर्कर खड़ा हो गया, इसको फिर हटाना पड़ेगा। पहले मैं वाला खाना इसमें डाल दूँ, फिर इसको हटा के जो है सही से लगाता हूँ।
ये यहाँ सारा अनलोड कर देना है, इसमें आ जाएगा मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी। स्टोरेज कैपेसिटी भी चेक कर लूँगा अभी कितने की है। और पिक तो ये ऊपर घूम रहे हैं, आ गया सारा का सारा। इस ट्रैक्टर को भी जो है आए करके यहीं पार्क कर देता हूँ, यहाँ पे जगह काफ़ी है पार्किंग की, इसको यहाँ छोड़ देता हूँ और अब एक बार देख लूँ इसकी कैपेसिटी है कितनी। तो पिक वन की फूड की कैपेसिटी तो काफ़ी ज़्यादा है, अभी तो 8,000 लीटर में इसमें कुछ भी नहीं आया। मेरे ख्याल से इसमें जो है 1,00,000 लीटर से भी ज़्यादा का खाना आ जाएगा। और काउस वाले में जो है कैपेसिटी मेरे ख्याल से 30,000 लीटर के आसपास है, जिसमें से 25,000 लीटर के आसपास खाना अभी है। और काउस ने अभी मिल्क देना शुरू नहीं किया है, मिल्क तो नहीं है, स्लरी प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। बाकी यहाँ पर TMR है तो जो है मिल्क ही देना शुरू कर देंगी। और हॉर्सेस के लिए भी जो है खाना है अभी 1,000 लीटर खाना पड़ा हुआ है, तो ये अपने एनिमल्स का खाने का काम तो हो गया। बाकी मैं यहाँ पे इस ट्रैक्टर को सही से करके लगाऊं, ये यहाँ से इजीली मोड़ सकता था, पता नहीं कैसे अटका देते हैं यहाँ पे। अब की बार ये आ गई, ये पहले जो है छोड़ के भाग गई थी, वही वाली है दूसरे वाली है, शायद दूसरे वाली है ये। तो अभी इस वाले खेत में तो जो है कनवा लग जाएगा, उसके बाद सामने वाले खेत से सारी की सारी घास मुझे काटनी है। और फिर जब नेक्स्ट मंथ होगा सेप्टेम्बर का, तब मैं यहाँ पे वीट लगा लूँगा, क्योंकि वीट मुझे चाहिए होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अब मुझे जो है चिकन कूप भी लगाना है यहाँ पे, उसके लिए चाहिए। और वीट का जो है प्राइस भी अच्छा मिलता है, तो वीट को जो है सेल करके प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। और ये वाला खेत जो है उस वाले खेत से है भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है माउंटेन के टॉप पर जाऊँगा, जहाँ पर अपना ट्रैक्टर पार्क हो रखा है इलेक्ट्रिक वाला, और उसमें पीछे जो है वुड लोड करने के लिए ट्रेलर लगा हुआ है, तो वहाँ पर मैं काफ़ी सारे ट्री काट के उसको फुल करके वहाँ से लेके आऊँगा और उस वुड को सेल करके आऊँगा। उस वुड से जो है मुझे मिल जाएगा अच्छा खासा प्रॉफिट, क्योंकि अभी बैलेंस काफ़ी कम है, अभी सिर्फ 41,000 यूरो बचे हैं। तो उसके अगर मुझे 10,000-15,000 यूरो ही मिल गए तो थोड़ा सा अपना काम चल जाएगा। बाकी काउस तो मिल्क देना शुरू कर ही देंगी अब, और नेक्स्ट वीडियो में शायद काउस का मिल्क भी मैं सेल करके आऊँ। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।